वही ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ध्वनिमत से उन्हें विजयी घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नए स्पीकर को आसंदी तक छोड़ने गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। बता दें कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर की पद की मांग की थी। इसका जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बनने वाले पहले भाजपा नेता है। इससे पहले कांग्रेस के बलराम जाखड़ लगातार दो बार स्पीकर रहे हैं। बाय श्री नरेंद्र मोदी एंड सेकेंडेड बाय श्री राजनाथ सिंह टू द वोट ऑफ द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट श्री ओम बिरला, a member of this house, be chosen as the speaker of this house. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. No.